वेलकम डिप्लोमा वाले क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लेटरिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में देखा था कि लेटरिंग को समझा था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। उसके बाद टॉपिक वन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद से इंक्लाइंड का केस भी हम लोगों ने समझ लिया था, किस प्रकार से एकल प्रयास तिरछे कैपिटल अक्षरों को लिखा जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो फिर से जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को स्वच्छता पूर्व मुक्त हस्त में लिखिए। ठीक है, इसको फ्री हैंड लिखना है। जो सेंटेंस दिया गया है कि सेल प्राइस इज नॉट रिकमेंडेशन, इसको क्या करना है, 10 mm की हाइट में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2008 में 5 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो आइए इसे करना स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से इसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। सबसे पहले ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ये आपको नहीं दिखाना है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं करना है। जो सेंटेंस बस लिखा गया है यही आपको करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है आप चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से दो लाइन में लिखा गया है इसी प्रकार से आप दो लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। आप चाहें तो आप ड्राइंग शीट आपकी बड़ी है तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले कितनी लंबी लाइन खींचेंगे इसके लिए हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ के बाद जो है स्पेस देंगे, तो इस स्पेस को भी एक काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, स्पेस क्या हो गया 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस क्या हो गया 12 13 14, स्पेस 15 16 17 18, तो ये क्या हो गया 18 सेंटीमीटर की लाइन खींच जाएगी। तो याद रखने के लिए हल्का से यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऊपर वाले के लिए 18, अगर नीचे लिखेंगे तो दूसरा लाइन खींचेंगे, अगर एक ही लाइन लिखना है तो एक साथ ही सबको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम दो लाइन लिखेंगे तो अलग अलग काउंट करके दो लाइन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें क्या हो गया 14। तो देखिए इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, पूरा एक शब्द है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ ही लिखेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की दो लाइनें खींच लेंगे और उनकी देखिए कैसे करते हैं, करते हुए चलते हैं समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ठीक, और ये लाइन किसे खींचेंगे, आप यच पेंसिल का प्रयोग करेंगे इसको खींचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं और ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 18 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, तो हाइट 10 mm दिया गया है तो 10 mm नाप लेंगे और फिर 10 mm से भी 18 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हाइट कितनी है 10 mm है और लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक, अब दूसरी लाइन जो है इससे नीचे खींचेंगे तो वो कितनी की है, वो 14 सेंटीमीटर की है, तो 14 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं और हाइट कितनी है 10 mm है और फिर यहाँ से भी 14 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब एक एक सेंटीमीटर यानी 10 mm पे एक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे नापना है, दोनों एक बराबर में ही हैं तो यहाँ भी और ये भी एक ही सेंटीमीटर होगा तो यहाँ भी। ठीक, उसके बाद से फिर से 1 सेंटीमीटर पे और यहाँ भी।
ठीक, फिर 1 सेंटीमीटर पे, मतलब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। और ये काम आपको यच पेंसिल से, या फिर अगर यच पेंसिल हल्का सा डार्क चल रहा है तब क्या करेंगे, 2H पेंसिल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए इसी प्रकार से सारी लाइनें खींचते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये लाइन 14 सेंटीमीटर का ही खींचा गया था, लेकिन पेंट की मोटाई ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 9 mm पे ही ये खींच गया है। ठीक है, तो आप पेंसिल से बनाएंगे तो इसको मिटा लेंगे, नहीं तो पेंसिल से तो देखो एक्यूरेट ड्राइंग बनेगी, पेन से थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ये हो गया, देख कितना खाना बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, एक कम हो गया है, ज़्यादा ही बन गया इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बॉक्स बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, एक बॉक्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये काम जब पेंसिल से आप करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, अगर आएगी तो आप एक खाना बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो पेन है वो मोटा है और वो 1 mm ज़्यादा लिया है, तो लास्ट में आकर के बॉक्स की संख्या एक कम हो गई है। ठीक, तो जो तरीका हमने बताया है वैसे ही करना है, पेंसिल बनाना है, एकदम एक्यूरेट ड्राइंग खींचनी है। ठीक है, नापेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, देखें यहाँ से ये थोड़ा सा आधा mm ज़्यादा हुआ है, इसी प्रकार से आधा mm करते 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 पूरा जो है आगे चलाया है। ठीक है, तो पेंसिल से करेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये हो गया, मेन आपकी हाइट है कि हाइट 10 mm होनी चाहिए। ठीक है, और ये बॉक्स जो है 10 mm पर बना हुआ है, थोड़ा सा 11 पर भी हो गया है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट एकदम एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पतला हो गया है कोई चौड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो एग्जाम में नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो पेंसिल से बनाएंगे एकदम एक्यूरेट आएगा। तो आप देखते हैं आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब ये सारे अक्षर जो है इन बॉक्सों में लिखना है। तो अब ड्राइंग शीट को हम लोग अलग कर सकते हैं और यहाँ पे आप HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, ये जो काम हम लोग किया गया है वो H पेंसिल से किया जाएगा। तो सेल्फ लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो है 2 mm का गैप रहता है यश में और नीचे 1 mm का, जो कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये 2 mm का यहाँ से गैप देंगे और नीचे जो है 1 mm का गैप देंगे। ठीक, ये हो गया यस, ऊपर और नीचे टच होना चाहिए। ई के लिए 1 mm गैप यहाँ से इस लाइन से 1 mm गैप और 1 mm पहले ही इसको रोक देंगे। फिर एल के लिए भी 1 mm गैप पे, ठीक, तो 1 mm इधर फूटा, 1 mm इधर से, कितना हो गया 8 mm हो गया, हाइट कितना हो गया 10 mm हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यफ के लिए भी हो गया, और सेल्फ के बाद से स्पेस छोड़ना है तो एक खाना हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे पी, उसके बाद से इस प्रकार से पी, उसके बाद से फिर 1 mm छोड़ के फिर आर, यहाँ से इस प्रकार से आर, ए के लिए 1 mm इधर से, 1 mm इधर से, और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए। फिर आई के लिए बस बीच में से, फिर यस के लिए वैसे ही ऊपर से 2-2 mm और नीचे से 1-1 mm छोड़ देंगे यस। फिर ई के लिए भी सेम 1-1 mm पहले रोक देंगे, फिर स्पेस और फिर इज, फिर आई, फिर यस के लिए, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेंसिल से करेंगे तो इसको मिटा लेंगे, फिर स्पेस, फिर नॉट के लिए, ये हो गया यन,
ये हो गया ओ और ये हो गया टी। ठीक, पूरा सेंटेंस आ गया इसमें। अब नीचे वाला रिकमेंडेशन जो है इसके नीचे वाले में। ठीक, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, आर के लिए 1 mm, यहाँ से 1 mm जो लाइन खींचेंगे 1 mm डिस्टेंस में, और यहाँ 20 से और यहाँ से 1 mm छोड़ के ऐसे, और यहाँ से इस प्रकार आर हो गया। ई के लिए 1 mm पर रोक देंगे, 1 mm इधर से और 1 mm इधर से, और ये आधे पे। सी के लिए 1 mm गैप रखेंगे, सी हो गया। फिर ओ के लिए इस प्रकार ऊपर नीचे सारे अक्षर जो है टच होना चाहिए। एम के लिए 1 mm इधर से और 1 mm इधर से और बीच में नीचे तक। ठीक, फिर सेम ऐसे नीचे तक। ठीक, फिर ई यहाँ तक, फिर एन 1 mm गैप रख करके एन, फिर डी जो है ये हो गया डी, फिर ए ए, फिर टी, फिर आई, फिर ओ और फिर एन। ये जो है लिखा जा चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है, बॉक्स बनाने में ध्यान देना है कि एक उद्देश्य के साथ बॉक्स बने। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, 2008 में पूछा गया था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो वीडियो देखने के बाद कम से कम एक बार जो है आप इस क्वेश्चन को जरूर से करें, तभी आपको एग्जाम में करने तो सही तरीके से करके आ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, थैंक यू।